कि जो आदमी है वो कोई जख्म हो गया, कोई घाव है, उसको जबरदस्ती कुरेद पाएगा। आप कहेंगे भाई ये क्या कर रहा है, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर जी डी भार्गव और हमारे ऑफिशियल चैनल अवर ब्रेन अवर लाइफ को मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं सेल्फ हार्मिंग। ये टेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है बच्चों में भी और बड़ों में भी, बट क्या सेल्फ हार्मिंग ही सुसाइडल है? नहीं, दोनों में डिफरेंस है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और हम पता कैसे लगा सकते हैं ये आदमी सेल्फ हार्मिंग से धीरे धीरे सुसाइडल की तरफ बढ़ रहा है, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। तो हम ये जानते हैं सेल्फ हार्मिंग है क्या, सेल्फ हार्मिंग क्या चीज है। सेल्फ हार्मिंग, पहले हम क्लियर हो जाएं, सुसाइडल नहीं। सेल्फ हार्मिंग है आप मरना तो नहीं चाहते, बट आप क्या चाहते हैं पब्लिक से, वो बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। तो हम पब्लिक को दिखाना चाहते हैं कि मैं सुसाइड करना चाहता हूं या मैं परेशान हूं लेकिन मरना नहीं चाहता, स्टे रहना चाहता हूं। ये पहली स्टेज है। तो मैं कुछ सिम्टम बता रहा हूं आपको कि जो सेल्फ हार्म करते हैं वो क्या क्या करते हैं। पहला, अटेंशन नीड, उनको अटेंशन चाहिए होती है। जैसे बच्चा है तो वो चाहता है उसके पेरेंट्स उससे बात करें, उसके साथ टाइम स्पेंड करें। बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं पैसे तो दे रहा हूं, सारी सुविधाएं हैं इसके पास, बिल्कुल ठीक है, वो जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो जरूरी नहीं है, लेकिन उसके अलावा आपका टाइम चाहिए, नहीं तो वो कहां ढूंढेगा वो टाइम, बाहर ढूंढेगा। और बाहर वाले जो लोग हैं कैसा बर्ताव करेंगे हमें नहीं मालूम, अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, क्योंकि अननोन लोग हैं। तो वो अटेंशन चाहेगा, फिर वो किसी ना किसी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, उसके लिए एनीथिंग ही कैन डू, और वो ऑब्सेशन में चला जाता है। ऑब्सेशन का वीडियो हमारी वॉल पे आप देख सकते हैं कि ऑब्सेशन क्या होता है। दूसरा पॉइंट है इमोशनल पेन, डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम इमोशन, वो इमोशनल जो पेन है, मान लो किसी का ब्रेकअप हो गया, उसको ब्रेकअप का पेन, अगर कोई आदमी उसको समझा दे कि ब्रेकअप क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और कोई चिंता की बात नहीं, दोबारा किसी ना किसी से आपका टाई अप हो जाएगा। लेकिन अगर वो ना समझाए तो क्या होता है, वो पेन को हटाने के लिए ये अटेम्प्ट कर देता है, क्योंकि जब ये अटेम्प्ट हो जाएगा तो लोग आपके ब्रेकअप के बारे में बात नहीं करेंगे, आपके सुसाइडल अटेम्प्ट के बारे में बात करेंगे, सेल्फ हार्मिंग के बारे में बात करेंगे। कोई बच्चा फेल हो गया तो ऐसा है, उस बच्चे ने कोई स्कूल में शरारत कर दी तब भी ऐसा हो सकता है, टीचर ने आपको उसको सस्पेंड कर दिया। दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम आजकल बहुत ज्यादा है बच्चों में भी और बड़ों में भी। जॉब चली गई, जॉब में कुछ बॉस ने बोल दिया, तो ये सेल्फ हार्मिंग में वो जो मेन प्रॉब्लम है उससे ध्यान हटाने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं चीजों को, तो ऐसा भी करते हैं तब हम सेल्फ हार्मिंग करते हैं। गिल्ट फॉर समथिंग, और अपने आप को पुनिश करते हैं, सजा देना। कई बार क्या हमें कोई गिल्ट होती है, हमने कोई ऐसा काम कर दिया होता है जो अंदर गिल्ट होती है हमारे, या हमारे साथ ऐसा काम हो, कोई बच्चा है उसके साथ मोलेस्ट हो गया, विच इज रियली बैड क्राइम है, गवर्नमेंट इज डूइंग वेरी वेल इन टू दिस, पर क्या उस बच्चे को क्या मालूम कि उसको पेन कितना है, आपको जाके उसके पेन को कम करना पड़ेगा। या किसी के साथ आपने कुछ कर दिया, ऐसा किसी को धोखा दे दिया, किसी के साथ समथिंग, चोरी चकारी कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग हिडन चीज जो किसी को नहीं पता, आप ही को पता है बस, तो आपका गिल्ट है, तो आप क्या करते हैं, वो आदमी क्योंकि आपसे दूर हो जाएगा, क्योंकि उसको अगर पता लग गया तो भी और ना पता लगा तो भी, शक के बुनियाद पे भी लोग डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, तो आप उसका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए सेल्फ हार्म करते हैं। तो ये एक सेल्फ हार्मिंग टेंडेंसी इस वजह से भी होती है। आगे चलते हैं, एडिक्शन स्टार्ट, एडिक्शन किस चीज का, सोशल एडिक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, उसके लिए अलग वीडियोस हैं मेरे, देख सकते हैं। सिंपैथी का, सिंपैथी का एडिक्शन भी बहुत बड़ा एडिक्शन है, हमें किसी ना किसी का कंधा 24 घंटे चाहिए, और अगर वो कंधा नहीं मिलता तो हम जबरदस्ती वो कंधा लेने की कोशिश करते हैं, तो सिंपैथी चाहिए हमें। लेकिन ऐसे लोग कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो हो जाता है, और ऐसे लोग यूजली बहुत ज्यादा डिप्रेसिव मोमेंट्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो
जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जब शेक हो जाता है उसकी वजह से जो हम सिंपति लेने की कोशिश करते हैं तब भी हम सेल्फ हार्म करते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। अब कुछ लोग पूछते हैं कि डिप्रेशन की वजह से सेल्फ हार्म कर दिया। नहीं, डिप्रेशन अगर आपको हो जाएगा तो सेल्फ हार्म कम करेंगे, सुसाइडल अटेम्प्ट ज्यादा करेंगे। डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं तो सेल्फ हार्म करेंगे, और सेल्फ हार्म में जब भी आप काटते हैं तो कोशिश उनकी यही रहती है कि ज्यादा डीप ना जाए अपनी तरफ से। अचानक अगर डीप लग गया तो कुछ कर नहीं सकते। आपने काटा हाथ पे, मारा छोटा ब्लेड, बड़ा नस कट गया तो क्या कर लो। तो सेल्फ हार्मिंग इज अ सीरियस थिंग। बच्चे पे हो, बड़े पे हो, आपको अटेंशन चाहिए, इमीडिएटली उसको अटेंशन देनी पड़ेगी आपको, और कोई नहीं है। और डेफिनेटली आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए इस काम के लिए। दैट इज माई सजेशन। और अगेन, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए है, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। खुद डॉक्टर मत बनिएगा, मैं हमेशा बोलता हूँ, टॉक विद सम प्रोफेशनल एंड टेक द हेल्प। आगे चलते हैं ये समझने के लिए कि हमें पता कैसे लगे कि इसमें सेल्फ हार्मिंग टेंडेंसी शुरू हो गई। तो पहला, मान लो बहुत ज्यादा गर्मी है, जैसे दिल्ली का टेम्परेचर 45 डिग्री भी होता है, बट उसने फुल बाजू पहना हुआ है, बाजू हटा भी नहीं रहा, सब कुछ कवर है उस आदमी का, डेफिनेटली उसने कहीं कट वट लगा रखा होगा, नहीं तो कभी कवर नहीं करेगा। एक्सेप्शंस कि गर्मी में आप गर्मी से धूप से बचने के लिए कुछ कवर करते हैं, घर पे जाते ही आप नॉर्मल क्लोथ में आ जाएंगे। अगर वह नहीं आ रहा तो आपको सीरियसली समझना चाहिए कि हाँ, ये कुछ शुरू हो रहा है इसमें। दूसरा ऑप्शन कि जो आदमी है वो कोई जख्म हो गया, कोई घाव है, उसको जबरदस्ती कुरेदता रहेगा। आप कहेंगे भाई ये क्या कर रहा है, खींचता रहेगा स्किन में से, हाथ में से, कहीं से भी, तो उसको वो जबरदस्ती करेगा, तो आप समझ लीजिए ये अपने आप को पेन देना चाह रहा है, और इसी वजह से ये वाला काम कर रहा है। आगे चलते हैं, हाई मूड स्विंग हो जाएंगे, कभी वो खाना खाएगा, कभी नहीं खाएगा, कभी बहुत खुश रहेगा, कभी नहीं रहेगा, कभी सडनली झगड़ा करने लगेगा, कभी रोने लगेगा, तो आप समझ लीजिए सेल्फ हार्म की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। लोग, पेरेंट्स या बड़े लोग क्या करते हैं, जब तक वो सेल्फ हार्म करे ना तब तक सोते रहते हैं। प्लीज ऐसा मत करिए, इमीडिएट एक्शन लीजिए कि आप उसको सेव कर पाए, उस सिचुएशन से बाहर निकाल पाए। विड्रॉ फ्रॉम द पीपल, लोगों को फेस नहीं करेगा। कोई बड़ा फंक्शन है घर में, छुप जाएगा जाके कोने में, किसी से भी बुलाओ बात करने के लिए तो हेलो नहीं कहेगा, बहुत ही शाई, एक्सट्रीमली शाई बिहेवियर बोलते हैं, लेकिन शाई नहीं होता वो, सेल्फ हार्मिंग टेंडेंसी धीरे धीरे बढ़ रही होती है। और बहुत सारे फ्रीक्वेंट एक्सक्यूज देगा, जिसे कहते हैं चीजों को मैन्युपुलेट करने की कोशिश करेगा, छोटी छोटी बात पे जो यूजलेस टॉक है उन पे भी झूठ बोलने की कोशिश करेगा। तो ये कुछ सिम्टम है जैसे आप चेक कर सकते हैं कि बच्चा या बड़ा सेल्फ हार्मिंग तरफ जा रहा है या नहीं, और अगर वो जा रहा है डेफिनेटली आपको उसमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। होप वीडियो पूरी तरह समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि हम और आप जुड़े रहेंगे। जल्दी मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।